दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके के 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी बेस्ट टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन रहेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जनरल नॉलेज का ये टॉपिक है, तो आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आज वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो ये इस क्वेश्चन में है कि कौन से संविधान संशोधन में दिल्ली को अपने देश की राजधानी घोषित किया गया या दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया। तो संविधान संशोधन 69 यानी कि 69 संविधान नंबर 69 के अनुसार ये संविधान में संशोधन हुआ और दिल्ली को अपने देश की राजधानी बनाया गया। तो मोस्ट क्वेश्चन है और इसी तरह के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार कहा, यानि कि अधिनियम 1935 है जिसे दासता का अधिकार कहते हैं, ये किसने कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का अधिकार पत्र कहा है अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानि कि संविधान के सलाहकार कौन थे। तो सर बी एन राव बेनेगल थे, इनका पूरा नाम था राव बेनेगल नरसिम्हा, बी एन राव था या फिर बेनेगल नरसिम्हा राव था, ये इनका पूरा नाम है। तो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव या फिर बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम था और शॉर्ट में बी एन राव एग्जाम्स में लिखा हो सकता है, तो आप दोनों को ध्यान में ज़रूर रखें। विधि दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है कि देश में विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को देश में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाला मोस्ट क्वेश्चन है। तो 26 नवंबर को देश में विधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु अनुच्छेद 352 में पहली बार कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के रूप में है, उसमें पहली बार मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल शब्द यानि कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है और इससे पहले 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का उपयोग किया गया है। मोस्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय रुपया यानि कि जिसका प्रतीक हमारे पास ये होता है का डिजाइन किसने तैयार किया। तो भारतीय रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया। तो डी उदय कुमार ने
उदय कुमार है और उनका पूरा नाम डी उदय कुमार है, जो जिन्होंने रुपये का प्रतीक डिजाइन किया था। और ये 10 2000 जुलाई दो ये जुलाई 2010 में इसे रुपये का प्रतीक मान लिया गया था, या इसे स्वीकार कर लिया गया था। जुलाई 2010 में रुपये का प्रतीक इसे दिया गया था, उदय कुमार के सिलेक्ट हो गया था ये रुपये का प्रतीक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाई जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर में जब 31 दिसंबर 1929 को जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था पंजाब प्रांत के लाहौर में, तब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात की और उनका ये अधिवेशन स्वराज पर आधारित था। उन्होंने स्वराज की घोषणा भी की थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस की लाहौर के अधिवेशन में हुई थी, और ये लाहौर का अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को किया गया था। मतदाता की आयु, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो मतदाता की आयु पहले 21 वर्ष थी, यानी कि 21 वर्ष की एज वाला मतदान कर सकता था, उसे ये अधिकार प्राप्त था। परंतु संविधान को संशोधित कर 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया गया। तो 61वें संविधान संशोधन में, 1989 को जो 61वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें ये बताया गया, और 44वें संविधान अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। तो अनुच्छेद 44 को संशोधित कर ये 61वां संविधान संशोधित था, जो अनुच्छेद 44 को संशोधित किया गया था, और उसमें 21 वर्ष में व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार था, वो संशोधन करके 18 वर्ष उसकी एज कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 को, और ये 44वें अनुच्छेद को संशोधन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो ये संविधान सभा में मुंबई की ओर से सदस्यता का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये मुंबई की तरफ से संविधान सभा के सदस्य रहे थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को तैयार किया था, और इसमें दो कलर रखे थे और एक बीच में चक्र रखा था, जो समानता का प्रतीक है पूरा ध्वज। ये पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया हुआ अपने राष्ट्रीय ध्वज है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, और ये इन्हें उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिली हुई है आधुनिक भारत के मनु की। दोनों सदन, यानी कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? यानी कि किसे अधिकार प्राप्त है कि संसद की दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ उनकी बैठक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला हुआ है कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक को साथ में बुला सकता है, और
उनकी मीटिंग एक साथ ले सकता है लोकसभा और राज्यसभा की। राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अपना एक मौलिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कौन से आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार की बात कही गई है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 23 और 24 यानी कि 23 और 24 में, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार की बात कही गई है। आर्टिकल 23 और 24 हमारी शोषण के विरुद्ध के मौलिक अधिकार के संबंध में है। और लास्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मौलिक अधिकार यानी कि हमारे संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, सातवां था संपत्ति का अधिकार जिसे संशोधित करके हटा दिया गया है, और अब हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे देश में है। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो कौन से देश का संविधान है जिससे मौलिक अधिकार टॉपिक लिया गया है हमारे देश के संविधान के लिए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपने मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का टॉपिक है, वो मौलिक अधिकार अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।